चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। बता दें, महंगाई की मार से अब कंपनियां भी परेशान होने लगी हैं। यही कारण है कि उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली FMCG कंपनियों ने छोटे पैकेट का जो वजन है उसे घटाना शुरू कर दिया है। वहीं पाली और ब्रिटानिया जैसी कंपनियां ग्रामीण बाजारों पर पकड़ बनाए रखने के लिए छोटे पैकेट में सामान की बिक्री पर ज़्यादा जोर देती हैं। इनकी कुल बिक्री में छोटे पैकेट वाले सामान की 40-50% हिस्सेदारी है। हालांकि महंगे खाद्य तेल, चीनी और गेहूं की कीमत के कारण इन कंपनियों पर 2 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के छोटे पैकेट के वजन में कटौती का दबाव बढ़ा है। पिछले 6 महीने में प्रसिद्ध पार्ले जी बिस्किट के 10 रुपये से कम कीमत वाले सभी पैकेट के वजन को घटाकर 7-8% महंगा किया जा चुका है। वहीं पार्ले प्रोडक्ट्स के वरिष्ठ कैटेगरी प्रमुख का कहना है कि छोटे पैकेट का उत्पादन काफ़ी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इनमें होने वाली कमाई ज़्यादा अच्छी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जहाँ तक संभव है हम पैकेट का वजन कम करते हैं, इसी तरीके से हम टिके रहते हैं और महंगाई का प्रबंध करते हैं। वहीं 10 रुपये से ज़्यादा मूल्य वाले पैकेट की कीमतों में हम सीधे वृद्धि करते हैं। साथ ही महंगाई के कारण न सिर्फ परिवारों की खर्च करने की शक्ति घटती है बल्कि कंपनियां भी प्रभावित हो रही हैं। इसका कारण ये है कि खुदरा कीमत के मुकाबले थोक कीमत तेज़ी से बढ़ रही है। वहीं उदाहरण के लिए बता दें, वार्षिक आधार पर मार्च तिमाही में चीनी की कीमतों में 7% का उछाल रहा। वहीं काजू की कीमत में 35% की देखी गई। इसके अलावा पैकेजिंग की लागत भी बढ़ गई। मार्च तिमाही में लेमिनेशन 20% महंगी हुई है। वहीं नालीदार बक्से की कीमत भी 21% बढ़ी है। खाद्य तेलों की कीमतों में भी तेजी से उछाल आया है। साथ ही प्रिया गोल्ड ब्रांड से बिस्किट बेचने वाली कंपनी सूर्य फूड एंड एग्रो का कहना है कि महंगाई के कारण कंपनी का संचालन कठिन हो रहा है। कंपनी के निदेशक का कहना है कि पहले महंगाई बढ़ने पर हम वजन कम कर देते थे, लेकिन अब ये तरीका काम नहीं कर रहा है। हम 5 रुपये वाले पैकेट को बंद कर सकते हैं या फिर 5 रुपये वाले पैकेट की कीमत को बढ़ाकर 10 रुपये किया जा सकता है। अब हम 5 रुपये के किसी भी वजन का पैकेट नहीं दे सकते हैं। वहीं सूर्य फूड एंड एग्रो के पोर्टफोलियो में 70% हिस्सेदारी 5 और 10 रुपये कीमत वाले उत्पादों की ही है। साथ ही कंपनियों का कहना है कि हम पर जल्द केवल 10 रुपये की कीमत वाले पैकेट की बिक्री का दबाव बन सकता है। साथ ही पार्ले के कृष्णा राव बुद्धा का कहना है कि अगले 2-3 साल में 5 रुपये वाले पैकेट की कीमत 10 रुपये हो सकती है। वहीं धीरे धीरे 5 रुपये वाले पैकेट को बंद किया जा सकता है क्योंकि उपभोक्ता मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। वहीं पिछले सप्ताह नतीजे की घोषणा करते समय ब्रिटानिया ने कहा था कि इस साल कीमतों में 10% बढ़ोतरी की आवश्यकता है। ये बढ़ोतरी वजन में कटौती के जरिए की जाएगी। कोरोना पर अंकुश के लिए चीन के कई शहरों में लॉकडाउन जारी है, इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है। साथ ही जानकारों का कहना है कि यदि चीन के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लंबे समय तक प्रभावित रहती है तो आने वाले समय में महंगाई का संकट और बढ़ सकता है। महंगाई का सबसे ज़्यादा असर खाने पीने की वस्तुओं पर पड़ेगा। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आके इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।